दारजी, छानबीन से पता चला है कि हरमन की गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया गया था। और उसमें दो लोग शामिल हैं। वो कौन है दो लोग? मैम ऐसे वो दोनों गुंडे हैं। दोनों को पकड़कर लॉकअप में तोड़ा तो एक नाम सामने आया। जो नाम सामने आया है वो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। टीवी सीरियल बहुत देखना तू। बात को इतना खींच क्यों रहा है? बता ना, सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। नहीं नहीं, दस ना, दस जल्दी दस। आपके समधी जी का आपकी बेटी के ससुर का नाम आया है। डॉक्टर साहब, और किसी का नाम बताया उसने? अब तक तो कुछ नहीं। एक बार हरमन से पूछताछ कर ले कि ब्रेक फेल कब और कहाँ हुआ था, फिर बाकी लोगों का पता हम लगा ही लेंगे। अभी सोचा नहीं था कि मेरे ससुराल वाले इस हद तक गिर जाएंगे। पहले तो मुझसे मेरा बच्चा छीना, लेकिन अब मेरा भाई मुझसे छीन रहे। कंजर कहीं के। शबीब वीरन, मिठाई दे, मिठाई। अरे मिठाई है मिठाई। अब एक बात कान खोल के सुन ले बलवंत, अपना टक्कन बंद रखेगा। इस हाथ की खबर इस हाथ को भी नहीं होनी चाहिए। सुन रहा ना, वो रसिक का खून है, खून भी कर सकता है। अपना टक्कन बंद रखेगा। इस केस में सिर्फ हरक सिंह बोलेगा, जो मैं बोलांगा वही फरमान होएगा। समझ गया ना बलवंत? तो बोल सतनाम। सतनाम जैसा आप कहें। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। कान खोलकर सुन लो तुम सब। हरमन को इस बात की कोई खबर नहीं होनी चाहिए। कोई उससे कुछ नहीं कहेगा। कर रही हो तुम? हम पकड़म पकड़ाई नहीं, हम कित कित खेलेंगे। कित कित नहीं, कित कित। बचपन में मैं अकेले ही खेला करती थी, छोटी जब स्कूल जाती थी ना तब। पर आज आप हैं, आपके साथ खेलूंगी। आइए ना। यार गुलाबो, घर वालों की किट किट कम है क्या जो तुम इस दर्द में मुझे अब किट किट खिलाओगे? कुछ तो इज्जत करो यार, हीरो बनना हूँ। ये लड़कियों वाले खेल नहीं खेलता मैं तो। हीरो किसी का दिल भी तो नहीं दुखाता है ना। वैसे ये खेल तो मैं खेल लूंगा, पर जिस तरह मैंने तुम पे अपना दिल हारा है, अगर ये खेल में हार गया तो मुझ पे हंसोगी तो नहीं? नहीं जी, मैं आपको हारने नहीं दूंगी, पक्का। प्रॉमिस? ओके जी। किशन लाल, हरक सिंह दे मांद जो हाथ पाया तू, मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की तूने। किशन लाल, मैं तेरा विनाश कर दूंगा। किशन लाल। मामा जी, आप क्यों परेशान होते हो? अपना ब्लड प्रेशर ना बढ़ाओ। अगर आप कहिए तो मैं समझा कर आता हूँ उसे। तुम्हारा आंख उठाकर नहीं देखेगा वो बुड्ढा। बैंड बजा दूंगा उसकी। वरुण रुक, तू क्यों जाएगा? जाऊंगी तो मैं, और जाके सबक सिखा के आऊंगी। ओए गुरुद्वारे विच अरदास की है मैंने, तो कृपाण चलाने भी आती है मैनू। तक तो उन्होंने मेरा बहू वाला रूप देखा था ना, इसलिए चुपचाप बैठी हुई थी। लेकिन अब नहीं, अब उन्हें मेरे दो नए रूप दिखेंगे, एक बेटी का और एक बहन का। फिर दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या कर सकती। चुप, चुप हो जाओ तुम दोनों। सुना नहीं तुम दोनों ने आरक्षी ने क्या कहा? कोई बीच में नहीं पड़ेगा। जब हमारा पुत्र ठीक हो जाएगा ना, तो उसने खुद देख लेना है कि सबका क्या करना है। कोई बीच में नहीं पड़ेगा। सत श्री अकाल आंटी जी, सत श्री अकाल अंकल। जी वो दी कहाँ है? तुम्हारी सोमू दी इस घर का बंटवारा करवा के रह रही है हरमन के साथ, और तो कुछ बचा नहीं था उसके पास। रह रही है उसके कमरे विच, जा ओथे ऊपर। चलिए चलिए, कूदना है? हाँ, इसमें। अब संभाल के। हाँ। अब आगे। आपने चीटिंग की। अरे मैंने कहा चीटिंग की? आपने चीटिंग की। यार अब मैं और नहीं खेल पाऊंगा, बहुत दर्द हो रहा है पाँव में। क्या हुआ जी? वो बहुत दुख रहा है जी। मैं दबा लेती हूँ। रहने दो, ठीक है। अरे सुरभि तुम? नहीं जीजू, आपने कोई चीटिंग नहीं की है। और दी, जीजू आपके लिए इतने ईमानदार हैं। हैप्पी बर्थडे छोटू। माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि तेरी सारी मन्नतें पूरी हों और तू हमेशा खुश रहे। थैंक यू दी। हैप्पी बर्थडे सुरभि। और तुम वहां दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? आओ आकर बैठो। थैंक यू जीजू, पर आज मैं बैठने के लिए नहीं आई हूँ, दी को ले जाने आई हूँ। सौम्या को ले जाने? सुरभि सौम्या कहीं नहीं जाएगी। अब जीजू मेरा बर्थडे है, वैसे चलना तो आपको भी चाहिए था, बट आपकी हालत देख के आपको तंग नहीं करूंगी, इसलिए सिर्फ दी को लेके जा रही हूँ। और टेंशन मत लीजिए, मैं रात को छोड़ के जाऊंगी, डोंट वरी। चले? नहीं छोटी, देखना इनके पैर में बहुत चोट लगी है, ऐसी हालत में मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। पर सौम्या, आज सुरभि का स्पेशल दिन है, उसका बर्थडे है। तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। और हाँ, मैं खाना टाइम पे खा लूंगा, दवा भी टाइम पे ले लूंगा और आराम भी कर लूंगा, ठीक है? अब तुम जाओ। छोटी, मेरा मन वहां नहीं लगेगा, मैं कभी और आ जाऊंगी ना, आज नहीं प्लीज। सौम्या तुम जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। मैं वरुण से कह देता हूँ, वो तुम्हें गाड़ी से छोड़ भी आएगा और वापस ले भी आएगा। थैंक यू जीजू, थैंक यू सो मच। आई विश कि आप भी चल सकते। कोई ना सुरभि, मुझे एक बार ठीक हो जाने दो, हम फिर से तुम्हारा बर्थडे मना लेंगे। जी चलिए। जी मम्मी जी, क्यों बुलाया था हरमन ने? वो मामी जी हरमन कह रहा था कि आज सुरभि जी का बर्थडे है। चलो मामी जी, चलता हूँ। हरमन जी को इस हालत में छोड़ने का मेरा मन नहीं है छोटी। मैं फिर जीजू ने परमिशन दे दी ना, अब बहस मत करो प्लीज, जल्दी से तैयार हो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आप रेडी होके जरा एक मिनट अकेले में बात करनी थी, कर लो। मैं बाहर हूँ। जी छोटी ना ना ना, तो कितने जा रही है, कब आएगी, मैंने नहीं जानना, वो दिलचस्पी नहीं है। मैं बस ये कहने आई थी कि सुरभि से बात करके ही आना। गुड लक शुड लक। क्या हुआ, तैयार हो जाए? कैसे बात करूंगी छोटी से और कहाँ करूंगी? गाड़ी में तो वरुण भैया भी होंगे। दी, क्या सोच रहे हो? टाइम मत वेस्ट करो, चलो जल्दी तैयार हो जाओ। हाँ। Happy birthday, Surbhi! Thank you. Thank you so much. Thank you. Happy birthday. Thank you. Happy birthday. Thank you. दिन भर छोटी से अकेले में बात नहीं कर पाई, और अगर बिना बात चली गई तो मम्मी जी में नहीं, बात तो करनी ही पड़ेगी। चलिए ना बैठते हैं। आपको पता है ना, भले ही मेरी और अभिषेक जी की शादी टूट गई हो, पर इन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। एंड यू नो व्हाट, हमेशा आपके बारे में पूछते रहते हैं भी कैसी हैं, कहाँ हैं, तो आज मैंने सोचा कि आप दोनों को मिलवा ही दिया जाए, आप आपस में बातें भी कर लेंगे। तो आप लोग बातें कीजिए, मैं आती हूँ। दी, आप बहुत लकी हैं जो आपको सुरभि जैसी बहन मिली। दी, मैं भी आया। अब दी, कहाँ जा रहे? नहीं, वो तुझसे बात करने का मौका ढूंढ रही थी मैं। कहो। बर्थडे तेरा है आज, गिफ्ट मुझे देना चाहिए, पर छोटी आज के दिन मैं तुझसे कुछ मांगना चाहती हूँ, और अगर तू मुझे ये गिफ्ट दे देगी ना, तो मैं जिंदगी भर तुझसे और कुछ नहीं मांगूंगी। इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही हो? हाँ, क्या चाहिए बोलो ना। वो आई नो आप बहनों की बातें कभी खत्म नहीं होंगी, पर पहले केक काट ले। चले दी? ओ जी, आओ जी, आओ जी, आइए आइए। दी, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। एक बार नहीं, मैं दुनिया से 1000 बार बोल सकती हूँ कि आप इस दुनिया की सबसे बेस्ट दी हो। Happy birthday to you. Happy birthday dear Surbhi. दी, मैं तो भूल ही गई, आप कुछ बोल रहे थे ना, कुछ गिफ्ट चाहिए था आपको। आपको जो भी चाहिए हो ना मुझे बता देना। एंड यू नो व्हाट, मुझे ना आपको एक बात बतानी है, आई मीन एक सरप्राइज देना था। दी फाइनली मैं और अभिषेक जी शादी कर रहे हैं। बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है। क्या हुआ दी, आप खुश नहीं हो? नहीं, हाँ बहुत खुश हूँ मैं छोटी। वो अचानक से तूने मुझे ये बात कही तो थोड़ा सा बहुत खुश हूँ मैं। इसी बात पर हमारा भी मुंह मीठा कराइए। पहले तू और जीत रहे पुत्र, ये दुखा है। बहुत बढ़िया, चल बैठिए ना। अरे वरुण, क्या हुआ? केक तो अभिषेक जी, इनके सर में अक्सर दर्द रहता है, कोने में जाकर थोड़ी देर अकेले बैठेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो फिर मैं देख के आता हूँ, कहीं उन्हें दवा तो नहीं चाहिए। पुत्र पुत्र तू रहने दे है, तू बैठ, कुछ नाश्ता वास्ता कर। सुरभि तू खिला ना, मैं देख कर आता हूँ। छोटी, मैं सबके लिए नाश्ता देख कर आती हूँ। अब दी, हाँ एक सेकेंड ना। अभिषेक जी, वो दी कुछ बात कर रही थी और बीच में अधूरी रह गई थी, मैं 1 मिनट में आती हूँ। हाँ हाँ सही। आप कुछ बोल रहे थे ना, कुछ गिफ्ट की बात कर रहे थे ना। हाँ दी, बताइए आपको क्या गिफ्ट चाहिए? अब तो आप मुझसे भी बेझिझक कह सकती हैं, मैं भी तो आपकी फैमिली का हिस्सा हूँ।